अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज आपको मैं जो है मोबाइल कास्टिंग वगैरह चेक करवाऊंगा, मोबाइल से जो है वो एलईडी पे डिस्प्ले किस तरह शेयर होता है। तो बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि मेरा कास्टिंग कैसे होती है, वो मोबाइल से शेयर किस तरह होता है, मोबाइल का जो डिस्प्ले और साउंड है वो एलईडी पे शिफ्ट कैसे होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरा कास्ट पे है। तो एलईडी में जो है मेरा कास्टिंग वगैरह भी आपको चेक करवाएंगे, मेरा कास्ट कैसे होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हमारी जो भी जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसकी लिंक जो है आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपके मोबाइल में जो नेटवर्क होगा वही नेटवर्क जो है आपकी एलईडी में सेम होना चाहिए। उसके बाद आपने करना क्या है कि एलईडी और इसका नेटवर्क जब सेम होगा तो अभी हम इसमें जो है एलईडी में नेटवर्क वगैरह कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, तो इसके बाद जो है मेरा कास्टिंग करते हैं। तो वीडियो और से देखिएगा ताकि आपको जो है प्रॉपर समझ में आ जाए। तो अभी जो है हम एलईडी को जो है वो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो आपको चेक तो दोस्तों फाइनली मैंने इसमें जो है अपने वाईफाई का जो है पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपने जो है ये दो चीजें कर ली, उसके बाद आपको बताता चलूं कि सेम आपके जो मोबाइल का डिस्प्ले होगा आपने ये डिस्प्ले ऑन करना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो है आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद इस पे यहाँ पे देखेंगे या वायरलेस प्रोजेक्शन लिखा होगा या मेरा कास्ट लिखा होगा या मिरर शेयर लिखा होगा। तो आपको बताता चलूं कि इस फोन में जो है ये कास्टिंग वगैरह आप देख सकते हैं, कास्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि एलईडी में जो मेरा कास्टिंग का ऑप्शन होगा आपने वो ऑन करना है, जैसे कि मैं अभी ऑन करता हूं। तो अभी इसमें ये मेरा कास्ट ओपन कर दिया है, ये इसकी एक डिवाइस है, हमने वाईफाई वगैरह के साथ कनेक्ट कर ली है। तो ये जो है इसके मेरा कास्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने करना क्या है कि इसमें ये जो है कास्टिंग वगैरह हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो आपके मेरा कास्ट का जो नेम होगा वो यहाँ पे जो है उठा लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है एलईडी का नाम वो प्रोसेस कर लिया है। उसके बाद आपने इस पे जो है क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो वहां से जो है एलईडी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो फोन है वो एलईडी के साथ कनेक्ट हो गया है। तो अभी मैं इसमें जो चीज भी यूज करता हूं तो उसका डिस्प्ले आपको वहां पे नजर आएगा। तो इसके बाद आपको बताता चलूं कि अगर आप इसी साइज में अगर आप वीडियो चलाते हैं, अगर आप यूट्यूब वगैरह चेक चलाते हैं, तो उसमें आपको जो है स्क्रीन यू रोटेट करनी पड़ती है, उसके आपको जो है वो इसमें जो है आपको जो है स्क्रीन रोटेट करनी होगी, तब जाके आपकी जो है एलईडी में पूरा जो है वो एक डिस्प्ले बन जाएगा। तो इस तरह आपकी मोबाइल शेयरिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरा कास्टिंग कैसे होती है मोबाइल से, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।